जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों की पुलिस टीम द्वारा दो पहिया चौपहिया वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान में कई वाहन चालक पुलिस की पकड़ में आए, जिन्हें सख्त समझाइश देकर छोड़ा गया। दुर्ग जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों की टीमों द्वारा दो पहिया और चौपहिया वाहनों का सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान में पुलिस की गिरफ्त में ऐसे अनेकों वाहन चालक आए जिनके द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन कर शराब का सेवन कर वाहन चलाया जा रहा था। पुलिस द्वारा दो पहिया वाहन में 3 सवारी सभी प्रकार के वाहन चालकों की तलाशी के साथ दस्तावेजों की जाँच की गयी। इसी के तहत वैशाली नगर थाना पुलिस की टीम द्वारा थाना प्रभारी ममता अली शर्मा के नेतृत्व में वाहनों का सघन चेकिंग अभियान गौरव पथ रोड में चलाया गया। गौरव पथ रोड में पोटी श्री रामलू चौक के पास चल रहे अभियान का नेतृत्व थाना प्रभारी ममता अली शर्मा द्वारा किया गया। थाना प्रभारी ने स्वयं पुलिस टीम के साथ मौके पर मौजूद रहकर दो पहिया और चौपहिया वाहनों की तलाशी लेने के साथ जाँच पड़ताल की। वैशाली नगर पुलिस द्वारा चलाए गए अभियान में अनेकों दो पहिया वाहन चालक पकड़ में आए, जिनके द्वारा यातायात के नियमों का उल्लंघन कर वाहनों का परिचालन किया जा रहा था। थाना प्रभारी द्वारा इन्हें सख्त समझाइश दी गई। अनेकों दुपहिया सवार ऐसे भी देखे गए जो पुलिस पर रौब जमाने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन पुलिस के आगे किसी की भी एक नहीं चली। सभी की जांच पड़ताल की गई। अभियान की जानकारी वैशाली नगर थाना प्रभारी ममता अली शर्मा ने दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार आज हमें शाम 5 बजे से 8 बजे तक जो लड़के बदमाशी करते हैं, 3 सवारी चलते हैं और जो शहर में चाकूबाजी की घटनाएं घट रही हैं, इसके मद्देनजर सर ने कहा है कि बढ़िया से मतलब पुलिस चेकिंग होनी चाहिए ताकि लोगों में सुरक्षा का भाव उत्पन्न हो और जो बदमाश लड़के हैं थोड़ा सजग हो जाए और कोई भी गलत कार्य करने के पहले सोचे। इसीलिए आज हमने यहाँ पर इस चौक में 3 सवारी वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं। अभी लगातार जारी रहेगा जब तक कि थोड़ा माहौल यहाँ शांत नहीं हो जाता है और जो घटनाएं जो बढ़ रही है वो कंट्रोल में नहीं होती, तब तक लगातार पुलिस की कार्रवाई चलती रहेगी। बहरहाल जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्र की पुलिस टीम द्वारा वाहन चेकिंग को लेकर चलाया गया यह अभियान सराहनीय प्रयास है। आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम, अवैध हथियारों की जब्ती, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी, चोरी हुए वाहनों की बरामदगी आदि को लेकर पुलिस को इस अभियान को निरंतर जारी रखे जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए संजय दुबे।